हिजबुल आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद से ही घाटी सुलग रही है। आज घाटी में कर्फ्यू का 50वां दिन है। इस बीच जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के हालातों पर चर्चा की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीएम मोदी ने घाटी के हालातों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात का स्थायी समाधान करने की जरूरत है, बार बार होने वाली हिंसा का समाधान निकाला जाए। अलगाववादियों पर निशाना साधते हुए महबूबा ने कहा कि वे युवाओं को भड़काना छोड़ें, उन्हें शांति से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग बातचीत कर समाधान करना चाहते हैं वे सामने आए, उनसे बातचीत की जाएगी। इस दौरान महबूबा ने पाकिस्तान को भी आड़े हाथ लिया। महबूबा ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में माहौल खराब कर रहा है, पाकिस्तान ने बातचीत का मौका अब गंवा दिया है। पिछले दिनों गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दूसरी बार कश्मीर का दौरा किया था और आज महबूबा ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की है। मुलाकातों का दौर जारी है लेकिन समाधान कुछ नहीं। देखते रहिए डीबी लाइव।